हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम जिस पौधे की बात करने जा रहे हैं वो है क्रूटॉन्स। ये नेटिव जो है पौधा मलेशिया में पाया जाता है, या इसको कह सकते हैं कि एशिया का है, और ट्रॉपिकल प्लांट है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाते हैं, बहुत सारे कलर्स में ये पौधा दिखाई देता है, जैसे कि ग्रीन, पिंक, पर्पल, येलो। उसकी बहुत सी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि क्रूटॉन फ्लोरिडा, गोल्ड स्टार क्रूटॉन, बनाना क्रूटॉन, मैग्निफिसन एंड पैट्रा क्रूटॉन। सो मेरा जो पर्टिकुलर है वो गोल्ड स्टार क्रूटॉन है। इसकी आप स्ट्राइप्स देख सकते हैं, पत्तियाँ इसकी येलो और ग्रीन का मिक्सचर है, और बहुत ही लंबी घनी पत्तियाँ हैं। ये एक फॉलिएज प्लांट है, और ये आउटडोर और इंडोर्स दोनों ही रखा जा सकता है। आउटडोर्स में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है, वहीं ये इंडोर एनवायरमेंट में भी ठीक से रह लेता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लाइट की। तो इस पौधे को फुल सनलाइट एक्सपोजर में रहना पसंद है, हालांकि पार्शियल शेड लाइट में भी रहना इसको अच्छा लगता है। लेकिन जब आप इसको इंडोर्स रख रहे हो तो इसको किसी ऐसे कॉर्नर पर रखिए जहां पे इसको ईस्ट सनलाइट मिलती रहे, और नहीं तो फिर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती रहे। इस पौधे को लाइट में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं भी मिल रही तो एटलीस्ट पार्शियल या शेड या ब्राइट लाइट किसी भी विंडो कॉर्नर पे इसको रखिए जहाँ पे लाइट अधिक मात्रा में आ रही हो आपके घर में। तो ये एक लो लाइट लविंग प्लांट नहीं है, इसको लाइट की ज़रूरत होती है, तो इसको ब्राइट लाइट इसको चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी वो भी अच्छा है, अदरवाइज़ इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी इस पौधे को रहना पसंद है। और अब बात कर लेते हैं सॉइल की। तो जहाँ तक इस पौधे की ग्रोथ की बात है, तो अगर इसको वेल ड्रेनिंग सॉइल में रखा जाए तो ये इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। और जिस भी आप इसको सॉइल में रखें, इसके लिए कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी कि पैरालाइट और या फिर किसी भी कोकोनट कॉयर और पीट मॉस एंड उसके साथ कंपोस्ट का मिक्सचर करके आप इसको पॉटिंग सॉइल अच्छी दे सकते हैं। और चलिए बात करते हैं पानी की। तो इसको मॉइस्ट रहना पसंद है, तो जब भी आप पानी दें तो ऊपर से हमेशा चेक कर लें पानी देने से पहले कि आप एक दो इंचेस ऊपर की सॉइल जो है वो ड्राई हो गई हो, तभी इस पौधे को पानी दें। और साथ में आप हमेशा इसकी मिस्टिंग कर सकते हैं। इसको मिस्टिंग बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक ट्रॉपिकल प्लांट है और इसी वजह से इसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रहना पसंद है। तो आप चाहें तो अपने पौधे को किसी ग्रेवल ट्रे पर रख सकते हैं, नहीं तो आसपास उसके ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं, या आपके किसी रूम में जहाँ ह्यूमिडिफायर लगा हो वहाँ इसको रख सकते हैं और ब्राइट लाइट मिल रही हो। अदरवाइज़ मिस्टिंग इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप मिस्टिंग कर सकते हैं किसी भी स्प्रे बॉटल में पानी डाल के, और उसकी पत्तियों पे आप मिस्ट कर सकते हैं, तो इससे इसकी कलर्स बने रहते हैं। और रही बात फर्टिलाइज़र की, तो आप साल में 3 बार इस पौधे को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। स्प्रिंग के सीज़न में एक बार, मिड समर में, और एक बार फॉल के टाइम पे आप इसको दे सकते हैं। और विंटर में आपको प्लांट फूड देना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये डॉर्मेंसी पीरियड होता है प्लांट्स के लिए। ये इस समय प्लांट्स थोड़ा सा रिलैक्स रहना पसंद करते हैं। तो आप जब भी चाहें साल में आप एटलीस्ट 3 बार इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, प्लांट फूड दे सकते हैं। और जहाँ तक की बात है टेम्परेचर की, तो इंडोर्स इसको 60 डिग्री से ज़्यादा के टेम्परेचर, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा के टेम्परेचर में रहना पसंद है, या यूँ कहें कि 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर में रहना इसको अच्छा लगता है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ भी आपका एसी वेंट है उसके बहुत पास इस पौधे को ना रखें, इसको डायरेक्ट एसी की हवा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ठंड से इसको बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये पौधा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, गर्म एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोपोगेट करने की। तो क्रूटॉन्स को आप स्टेम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, नए क्रूटॉन्स आप स्टेम कटिंग से बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सदाबहार पौधा है, इसको चाहे आप बाहर भी रख सकते हैं, बस इसको ठंडी हवाओं से बचाना है। घर के अंदर आप आराम से रखिए। अगर आप देख रहे हैं कि पत्तियाँ लाइट हो रही हैं या उसके कलर फेड हो रहे हैं, तो आप एक बार उसको धूप में रख दीजिए। जहाँ भी आपके घर में अच्छी लाइट आ रही हो, ब्राइट लाइट आ रही हो, उसमें इसको रखिए। तो मैं तो डेफिनेटली यस कहूँगी, इस पौधे को आप घर पे लाइए। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, इंडोर्स रखने में भी अच्छा है, और आउटडोर्स तो ये बहुत ही अच्छे से हरा भरा रहता है पूरे साल। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो क्रूटॉन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी और पौधे के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और एक पौधा ज़रूर लाइए। बाय बाय, नमस्कार।